I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. And I don't wanna make you feel bad, but you... दोस्तों आज मैं आपको 2021 बजाज पल्सर 220F का डैगरेज एडिशन दिखाने वाला हूँ, जिस बाइक का फिलहाल आप ब्लैक एंड मैट रेड कलर को देख रहे हैं, और आप इसको मैट मेरून कलर भी कह सकते हैं। टेक्निकली और मैकेनिकली गाड़ी पहले जैसा ही है, लेकिन कुछ कॉस्मेटिकल चेंज इसमें अभी देखने को मिलेगा, और ग्राफिक्स और बैजिंग में बहुत सारा चेंज अभी इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोशन ऑफ बंगाल यूट्यूब चैनल का और एक ब्रांड न्यू एपिसोड, और मैं हूं आपका होस्ट शाश्वत। और मैंने वीडियो शूट किया है ऑटो बाज़ार श्रीरामपुर हुगली में। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप इस शोरूम का इजी फिनांस स्कीम जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, उधर मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस बाइक में अभी बहुत सारा कॉस्मेटिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसके साथ 220F का नया स्टिकर ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है, और मैट ब्लैक विथ मैट मेरून या मैट रेड का जो कलर कॉम्बिनेशन है अभी फिलहाल एकदम नया इस बाइक में ये कलर यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस चैनल का हर एक लेटेस्ट कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों इस बाइक के फ्रंट वाइज़र और हेडलैम्प पोस्टर को देखें तो दो हेलोजन डे टाइम रनिंग लाइट के साथ प्रोजेक्टर टाइप हेलोजन हेडलैम्प इसमें यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, और इसमें फ्लेक्सिबल टाइप टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों इसका टेल लैम्प पहले जैसा ही है, यानी कि इसका पल्सर का सिग्नेचर टेल लैम्प इसमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों मीटर कंसोल को देखें तो मीटर कंसोल में पहले ही चेंज आ चुका है, और मीटर कंसोल पहले जैसा ही है, यानी कि एनालॉग में RPM मीटर और डिजिटल में स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर के साथ साथ ट्रिपोमीटर, ओडोमीटर, इंजन मैलफंक्शन लाइट, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, एवरेज माइलेज, रियल टाइम माइलेज, इंजन ऑयल इंडिकेशन, ऐसे बहुत सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा था। और दोस्तों आप IFE को देख सकते हैं, दरअसल ये एवरेज माइलेज और EFE ऐसा अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। स्विच गियर को देखें तो दोस्तों बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का स्विच गियर इसमें यूज़ किया गया है। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में हॉर्न का स्विच, टर्न इंडिकेटर स्विच, हाई बीम लो बीम स्विच और पास बीम का स्विच देखने को मिल जाता है, और इसमें क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार यूज़ किया गया है विथ बैक लीड। और राइट साइड के हैंडल बार को देखें तो इसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का स्विच एंड इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है। वैसे पल्सर का जो हैंडल बार है वो बहुत ही इम्प्रूव्ड हो चुका है। दोस्तों ग्राफिक्स का जो बात मैंने पहले बताया, इस बाइक के साइड पैनल्स पे एकदम नया ग्राफिक्स अभी यूज़ किया गया है, और फ्रंट मडगार्ड को आप देख सकते हैं मैट ब्लैक कार्बन फाइबर का फिनिश इसमें दिया गया है, और मडगार्ड के साइड में वाइट रिम स्टिकर भी दिया गया है। 220F का स्टिकर एकदम नया इंट्रोड्यूस किया गया है। इंजन का बात करें तो दोस्तों इसमें 220cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल टू वाल्व DTSI इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 कंप्लाइंट है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.39 PS और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 18.55 न्यूटन मीटर्स। वैसे BS6 कंप्लाइंट होने के बाद पल्सर 220F का इंजन बहुत ही रिफाइंड एंड स्मूथ हो चुका है। और दोस्तों आप इधर इंजन के साथ हॉर्न सेटअप को देख सकते हैं, और दोस्तों इंजन के नीचे आप एक्स्ट्रा कैटालिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर पाइप को भी देख सकते हैं, और इस बाइक में अभी 5-speed गियरबॉक्स आ रहा है। दोस्तों आप इंजन काउल को भी देख सकते हैं, जो कि धूल मट्टी से इंजन को बचा देता है। टायर की बात करें तो आगे की तरफ 90x90 प्रोफाइल का 17 इंच वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, और दोस्तों आप वाइट रिम स्टिकर को भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस बाइक में अभी
सिंगल चैनल ABS ट्रीटमेंट का यूज हो रहा है। और दोस्तों फ्रंट ब्रेकिंग का बात करें तो इसमें 260 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आप फ्रंट व्हील में जो ABS सेंसर प्लेट और जो ABS सेंसर है उसको देख सकते हैं। और रियर में दोस्तों आपको 120x80 सेक्शन का 17 इंच वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप ब्रेकिंग का बात करें तो इसमें 230 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है विथ RLP सेंसर, जो कि एक्सीडेंटल स्टॉपिंग रोक देता है। सस्पेंशन को देखें तो आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट। और रियर में फाइबर एडजस्टेबल ट्विन नाइट्रॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलता है इस बाइक में। फ्यूल टैंक का बात करें तो इसमें 15 लीटर्स का पहले जैसा ही फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और फ्यूल टैंक बहुत ही मस्कुलर, और इस बाइक में फ्यूल टैंक में बहुत सारा स्पोर्टी ग्राफिक्स यूज़ किया गया है। और टैंक पैड को भी देख सकते हैं। और इस बाइक का जो लुकिंग ग्लास या मिरर ग्लास है उसका क्वालिटी पहले जैसा ही है, और क्वालिटी भी काफ़ी स्टैंडर्ड है। और दोस्तों BS6 नॉब्स के अनुसार साइड रिफ्लेक्टर्स भी आप देख सकते हैं। 795 mm का सीट हाइट है, और राइडर सीट तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पिलियन सीट इज़ ऑन द हायर साइड, तो पिलियन के लिए थोड़ा मुश्किल राइडिंग के टाइप हो सकता है। और दोस्तों इसमें स्प्लिट टाइप ग्राइड हैंडल्स दे दिया गया है। फुट ब्रेक और फुट रेस्ट का बात करें तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी का कॉस्मेटिक इसमें यूज़ किया गया है। बजाज का एम्ब्लेम इस बाइक के फ्रंट वाइजर के ऊपर देखने को मिल रहा है, और हैंडल बार भी काफ़ी स्टैंडर्ड है। दोस्तों इस बाइक का टॉप स्पीड का बात करें तो लगभग 140 से 145 का टॉप स्पीड इस बाइक से मिल जाएगा। और माइलेज का बात करें तो लगभग 40 km/h का माइलेज इस बाइक से आपको मिल जाएगा अगर आप एक डिसेंट तरीके से इस बाइक को चलाएं। दोस्तों इस बाइक का कर्व वेट अराउंड 160 kg के आसपास है, और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस नियर अबाउट 165 mm है। और दोस्तों इस बाइक का कोलकाता में एक शोरूम प्राइस लगभग 1.30 लाख से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ़।